लगभग 3 महीने बाद अपने देश के प्रधानमंत्री 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बकेट, मैं हूं आपके साथ आदित्य। यशस्वी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र बनारस 7 जुलाई को आ रहे हैं। लगभग 6 से 7 घंटा वो अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में प्रवास करेंगे। पूरी तैयारियां सुचारू रूप से दुरुस्त कर ली गई हैं। हम आपको बता दें कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 7 जुलाई को अपने काशी दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे, दर्शन के बाद वो शिक्षा नीति में सम्मेलन में भाग लेंगे। उसके साथ ही अपनी जनसभा को सिगरा स्टेडियम में, जो उनकी जनसभा को संबोधित करने के लिए जो स्टेज वगैरह बनाई गई है, उस जनसभा में लोगों को संबोधित भी करेंगे और लगभग 1220 करोड़ के परियोजना का शिलान्यास व शुभारंभ भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी में 7 जुलाई को आगमन हो रहा है और 3 मुख्य प्रयोजन इस आगमन के कारण हैं। मुख्य रूप से एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय स्तर की हो रही है, जिसमें पूरे भारत के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और शिक्षाविद यहाँ जुटेंगे और 3 दिन नई शिक्षा नीति के ऊपर मंथन करेंगे। उसका शुभारंभ रुद्राक्ष हमारे ऑडिटोरियम में होना है। उसके शुभारंभ के अवसर पर जो ओपनिंग सेशन है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी शिरकत करके उसकी ओपनिंग सेशन का शुभारंभ करेंगे, साथ ही उस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ वाराणसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो लगभग हमारे लोकार्पण के लिए तैयार हैं और जिनका शिलान्यास होना है, उनका भी कार्यक्रम रखा गया है। स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा स्टेडियम का रीडेवलपमेंट का कार्य सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का होना है, इसीलिए सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स पर्सन्स के बीच में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और स्टेडियम में ही ये कार्यक्रम रखा गया है। फेज़ 1 का जो सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का रीडेवलपमेंट है 87 करोड़ की लागत से, उसका यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही फेज़ 2 का जो मॉडल है, उसका निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जाएगा। फेज़ 2 की जैसी बिडिंग आदि हो जाएगी, 1-1.5 महीने बाद उसका भी अनाउंसमेंट होगा। इसी के साथ बड़ा लालपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी कुछ कार्य हुए हैं। कुल मिला के स्पोर्ट्स की थीम पे ही ये कार्यक्रम आधारित है, लेकिन उसके साथ ही हमारे रोड्स के सेक्टर के, पेयजल, सीवरेज और इसके साथ टूरिज्म के सेक्टर के कई प्रोजेक्ट हैं जो तैयार हो गए हैं। 1200 करोड़ की 13 परियोजनाएँ हैं जिसका यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा और 591 करोड़ की 32 परियोजनाएँ हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। तो कुल मिला के लगभग 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशी को मिलने जा रही है। इसमें एक स्पेशल प्रोजेक्ट है अक्षय पात्र के द्वारा संचालित की जाने वाली किचन, जिसकी ज़मीन और जिसका सारा 13 करोड़ का वित्त पोषण राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। उसमें मिड डे मील सेंट्रलाइज रूप से 1 लाख बच्चों का बना के स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। ये किचन अक्षय पात्रा के द्वारा चलाई जाएगी। उस किचन का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौके पर ही जाके LT कॉलेज में करेंगे। वहीं पर वो 20 बच्चों से संवाद भी करेंगे। वो 20 बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल के, हमारे गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स के विद्यार्थी हैं और जिनको सीधा सीधा इस मिड डे मील योजना का लाभ मिलेगा। अभी तक जो कार्यक्रम प्राप्त हुआ है, उसमें LT कॉलेज में केवल बच्चों के साथ इंटरेक्शंस का ही कार्यक्रम रखा गया है और इंटरेक्शन में सामान्य बातचीत तक ही वो कार्यक्रम सीमित है। अगर कोई कार्यक्रम में बदलाव होगा तो उसकी जानकारी जरूर दी जाएगी। सर, सिक्योरिटी को लेकर सर क्या अरेंजमेंट होंगे, क्योंकि अभी कल जिस तरह से अचानक से उनके हेलीकॉप्टर के दौरान काले गुब्बारे छोड़ दिए गए थे तेलंगाना में, उसको लेकर भी कुछ अलर्टनेस है इसको लेकर? इसके बारे में पूरी अलर्टनेस के लिए ड्यूटीज़ डिप्लॉयमेंट जो किया गया है, उसमें वरिष्ठ अधिकारी न केवल वाराणसी जनपद के बल्कि आसपास के जनपदों को भी बुलाया गया है। प्रशासनिक रूप से भी ADMs और SDMs बुलाए गए हैं और इसी प्रकार से पुलिस के अधिकारी DCP रैंक के, SP रैंक के, एडिशनल SP रैंक के सारे बुलाए गए हैं। उनको रूफटॉप ड्यूटी भी दी जा रही है। कार्यक्रम के आसपास जो लोग एंटर करेंगे तो उसकी विशेष चेकिंग के लिए जो इन्विटेशन कार्ड दिए जा रहे हैं, अब की बार किस सीरियल नंबर का कार्ड किसको दिया जा रहा है उसको भी दर्ज करवाया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के लिए लगभग 10 पार्टी के लोग और 10 हमारे जनसामान्य प्रतिष्ठित लोग, सिविल डिफेंस के लोग रखे जाएंगे, ताकि जिनकी भी उसमें एंट्री हो वो पहचाने हुए लोग हों। कोई भी ऐसे लोग उसमें एंटर ना करें जिनको इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला है। एंट्री स्ट्रिक्टली इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से होगी और इसी के साथ अन्य जो रूट हैं, उस रूट पर पर्याप्त मात्रा में बैरिकेडिंग कराई गई है और बैरिकेडिंग के लोगों को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है कि इसके प्रति सजग रहें, सावधान रहें। वो मैटर किसी अन्य स्टेट का था, परंतु फिर भी सजगता की दृष्टि से सभी लोगों की ब्रीफिंग जो पुलिस लाइन में की जाएगी, अधिकारियों की, कर्मचारियों की, वो सारी और भी अच्छी तरह की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी कोई घटना वाराणसी में ना हो। मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी काशी है और उन्हीं के मार्गदर्शन पे काशी में विभिन्न विकास कार्य कराए जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का समय समय पर हम लोग को उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहता है और उन दोनों की प्रेरणा से हम लोग ने अभी करीब 1800 करोड़ के ऐसी परियोजनाएं हैं जो या तो लोकार्पित होंगी या शिलान्यास होंगी, जिसमें
13 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा, जिनका लागत करीब करीब 1200 करोड़ है, और 600 करोड़ की परियोजनाएं हैं, करीब 33 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देखें तो करीब करीब 1800 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास कराया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। और उसके साथ साथ वर्तमान में हम लोग की करीब करीब 12000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन हैं, जिनका भी आने वाले महीनों में उनका भी लोकार्पण उनके द्वारा कराया जाएगा जैसे जैसे ये परियोजनाएं पूरी होंगी। और करीब करीब अगर हम देखें तो वर्तमान में सब ये मिला लें तो 14 से 15 हज़ार करोड़ की परियोजनाएं विभिन्न स्तरों पर चल रही है। और ये काशी का सौभाग्य है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के संसदीय क्षेत्र के रूप में और संसदीय क्षेत्र को लेते हुए इसके पूरे बहुआयामी विकास कार्यों को पूरा अधिभूत किया, और आने वाले समय में और भी ऐसी परियोजनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। बने रहिए हमारे साथ, तमाम ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आदित्य गुप्ता, न्यूज बकेट, बनारस। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।